और धन्वंतरी भगवान जब समुद्र मंथन में से प्रकट हुए हैं तो हाथ में अमृत कलश लेकर आए। अब राक्षसों ने जैसे ही धन्वंतरी भगवान को देखा तो दैत्यों ने अमृत का कुंभ अमृत कलश छीन लिया, और जैसे ही छीना देवता घबरा गए कि राक्षस अगर अमृत पी लेंगे तो फिर तो कभी स्वर्ग मिलने वाला है ही नहीं। भगवान नारायण से प्रार्थना की, भगवान नारायण ने कृपा की और मोहिनी रूप बना लिया। कौन सा? भगवान मोहिनी बन गए और राक्षस मोहित भी हो गए। एक तो है मोटी बुद्धि वाले लोग एड़े होया करे। हर हर संत जन कहते हैं मोहिनी भगवान जब आए, दैत्यों ने मोहिनी को देखा। ये दैत्य तो राक्षस तो राक्षस ही होते हैं, इनके हाथ में अमृत का कलश भी आया पर इन्हें पिया ही नहीं। क्यों नहीं पिया? बोले मैं पहले पीऊंगा, मैं तो एक दूसरे पी लेते तो मोहिनी भगवान आते ही नहीं। पर इन्होंने अमृत पिया ही नहीं। अमृत मिला तो सही पर पिया नहीं। झगड़ने लगे, पहले हम पियेंगे। इतने में मोहिनी भगवान आ गए। क्यों झगड़ रहे हो महाराज? बोले अमृत हमें मिला, हम पियेंगे। कहा कतार से बैठ जाओ, सबको बराबरी से दे देंगे। अमृत का कलश ले लिया और भगवान मोहिनी ने देवताओं को अमृत पिला दिया। महाराज आया था राक्षसों के हाथ में पर मिला किसे? इसलिए भगवान देता है तो पात्र को कुपात्र को कभी नहीं देता। जो पात्र होगा उसे ही भगवान देगा, कुपात्र को कभी भगवान नहीं देता। और कुछ लोग कहते हैं समुद्र मंथन दोनों ने बराबरी से किया था, अमृत दोनों को मिलने था, पर महाराज राक्षसों को मदिरा और देवताओं को अमृत क्यों मिला? अरे आप लोगों को ही पता होना चाहिए, जो लोग मदिरा पान करते हैं उनको शाम के समय जाकर कह दो कि आज आप मदिरा ना लें, आज आप थोड़ा सा दूध पी लो गाय माता का और मदिरा को छोड़ दो। छोड़ देगा? गाय का दूध भी तो अमृत है, अमृत अमर कर देता है, ये पौष्टिकता तो देता ही है। पर नहीं, इनके तो कहीं जावे, 5 बजिया को नहीं तो कोई। हर हर तो यहाँ भगवान श्री नारायण ने कृपा की और भगवान नारायण की कृपा से देवताओं को अमृत मिला। फिर देवासुर संग्राम हुआ, सारे दैत्य हार जाते हैं और हार कर अपने गुरु की शरण में जाते हैं।